अरे चाय जी प्यारी बहना अरे 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 अब तो मुंबई आ गए हैं, अब तो गुड मॉर्निंग का घर है। गुड मॉर्निंग, ये हुई ना बात। वाक पे जा रहे हैं? हाँ वाक पे जा रहे हैं। ए नानू उठा लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, सोने दे उसे। प्राजी सोने दे। ओए अज्जू, ओ पुत्तर उठो, सोना हो गया भाई। अरे अरे अरे, बस बस, जीती रहे पुत्तर, जीती रहे मेरी सब। तो बीबी नो है, ऑलवेज फ्रेश। जा बेटा जा, चाय जी इंतजार कर रही है पूजा पे। जा जा। अरे करा ना। वो आया भाजी। ओ सुन यार, कुछ ठीक ठाक पहन के आई हो? ये पूरा नहीं है, बंबई है समझा। अजी ना, ओए ये तेरा ठीक ठाक है? ओ जी मैं मिटवे का आपने बुला लिया। बेदी कहता है इतने सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे फिल्म वाले आते हैं, ओए हीरोइना शुरना भी चली आंदी है। देखा नहीं नवा ट्रैक सूट मेरा? अरे बाबूजी समझा ना, समझा समझ गया। अच्छा ठीक है। अज्जू, ओ अज्जू पुत्तर। जी जी बाबूजी। उठ जा पुत्तर, मॉर्निंग वॉक पे चलना है यार। आया आया बाबूजी। चला छत्ती का छत्ती। शिवानी शिवानी, क्या है? ये ट्रैक सूट कहाँ है? अलमारी में होगा, देख लो। ओए विशेषण, ओ चल यार, सूरज आसमान दे चल यार, तू हले सुता भी है। आया शाबाश 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 जवान शाबाश। जिंदा रहा जिंदा रहा। पहले बना भाऊजी। जीते रहो जीते रहो। ओए मेरी भाभी, ओ मेरे यार नु कमरे जो बाहर खड़े। छेती करो नहीं, बेदी सारे मोहल्ले को तेरा देगा। हां भैया। गुड मॉर्निंग दया जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गल है, फेरे क्यों काट रहे? वो यार तू तो बिल क्लिंटन लग रहा है। हैं? साड़ी भाभी नु किते मोना तरी बना दिता। चल आजो आजो, कमरा है। चलो हेलो। अरे बिट्टू तू? अरे ताई जी नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुबह सुबह अपनी बिट्टो की याद आ गई क्या? अरे बिटिया, हम तो हर पल तुम्हें याद करते हैं। अभी तो मैंने इसलिए फोन किया कि तुम्हें याद दिलाऊं कि आज राखी है। कैसी बातें कर रहे ताई जी, हम क्या भाई लोगों का शगुन कभी भूल सकते हैं? वो बात नहीं है बिटिया, बात यह है कि पहले तो तुम यही रहती थी ना, अब तुम आओगी, अपने भाइयों को राखी बांधोगी, तभी तो तुम्हारी भाभियां भी अपने पीहर जा सकती है। आप बेफिक्र नहीं ताई जी, हम वहाँ टाइम पर आ जाएंगे और भाभी लोगों को पीहर जाने के फ्री कर देंगे। ठीक है बिटिया, देखो दामाद जी को साथ ले आना। अच्छा नमस्ते ताई जी। जीते रहो। अच्छा है बम्बई भी सड़ा है, मजा आ गया ना? मजा आ गया जी। हाँ भाई ठीक है। अरे मत आए जी, सारे रोज मिलते यार ये थे। अरे वाह, गुड मॉर्निंग बेटी साहब। पाटेकर साहब, सतरिया। पाटेकर फिल्मों वाले? ओ नहीं यार, नेता पाटेकर है, पॉलिटिक्स वाले। पाटेकर साहब एनु मिलो, मेरा जिगरी दोस्त है विशेषर, पुणे से अभी अभी आए हैं, और ये इनके हैं साहबजादे। नमस्ते बेटा। ओए खजरो, आप क्या बातें सुन रहे? चलो बाहर आओ, चलो चलो। के दूध पी रहे? अच्छा तुम जाओ, हम सैर करने आए, बातें करने नहीं आए। अच्छा जी आओ जी। अच्छा जो यार, मैं तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ। देख शिवानी अभी हम लोगों के लिए नई है, और उसके लिए हम है ना, तो ऐसे में तुझे उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगी। वीर जी वो सब कुछ तो ठीक है, फिर एक चीज बताओ। हाँ। ये औरतों का मूड शादी के पहले कुछ और होता है, शादी के बाद कुछ और, कैसा क्यों? वो मेरे को नहीं पता। मैंने तो अनीता को शादी वाले दिन ही पहली बार देखा था। अब तेरी तो मेरी लव मैरिज नहीं ना हुई। अरे जिंदे रहो जिंदे रहो, खुश रहो। कुछ वर्कशॉप तो जा रहे हो? हाँ वर्कशॉप लेके ना मैं तेरे कर गई थी। सच्चे नवी नू की आती की चाय पियूंगी, पर वो तो हाले सुती पई है।
ताई जी, वो हुआ यूं कि वो रात को गप्पे शप्पे मार रहे थे ना सब लोग, तो इसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल। अच्छा अच्छा, शिवानी, ए शिवानी, शिवानी डार्लिंग, शिवानी, ओ उठो यार। ओहो, क्यों तंग कर रहे हो? अरे तंग क्या कर रहा हूँ, देखो दिन निकल आया है, ताई जी तुम्हें देखने आई थी, सोया देखकर लौट कर चली भी गई। क्या, वो यहाँ आई थी मेरे बेडरूम में? क्यों, इसमें क्यों की क्या बात है? अब उनके अपने घर में और इस घर में थोड़ी कोई फर्क है, वो कहीं भी आ जा सकती है, वो हमारी ताई जी है। हाँ ताई जी है, जब से यहाँ आई हूँ यही सुनती आ रही हूँ कि ये जी है और वो जी है। आप लोगों ने ये घर तो छीन लिया, ये एक बेडरूम है, कम से कम ये मेरे लिए तो छोड़ दो। मम्मी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही बात कर रही हो। देखो अंजू, मेरे लिए बेडरूम इज सपोज टू बी अ वेरी पर्सनल प्लेस, और मुझे आदत नहीं है कि कोई भी मेरे बेडरूम में घुस आए। भाभी, गुड मॉर्निंग अंजू भैया, तैयार होके जल्दी नीचे आना, पता है ना आज राखी है। भाभी आप तैयार नहीं हुई अभी तक, चाची ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। आती हूँ। आपका नाना हो गया क्या? बहुत भूख लगी है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। अरे किसी ने मना किया है क्या? राखी बांधने से पहले कोई खाता है क्या? ओ लड़ी भाभी, आपकी पर्स। अरे इसमें तो राखी है, इनकी कोई चचेरी मौसेरी बहन बाहर रहती है क्या? नहीं, कविता दीदी का है। कविता दीदी की? अरे हाँ, वो बॉम्बे से बाहर गई है क्या? नहीं नवी भाभी, वो 3 साल से राखी पोस्ट से भेजती है। वो पहले यहाँ आती थी लेकिन कोई भैया भाभी उसको मिलते नहीं थे, तो उसने राखी पोस्ट से भेजना शुरू किया। हेलो दीदी, हम राधिका बोल रहे हैं। राधिका, हाय, हाउ आर यू? दीदी हमें जानकर बहुत दुख हुआ कि एक ही शहर में रहते हुए भी आपको राखी पोस्ट से भेजनी पड़ती है। हम जानते हैं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर दीदी अब ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पर आएंगी और राखी जरूर बांधेंगी, अपने हाथों से बांधेंगी। अब जैसा चल रहा चलने दो ना राधिका, तुम्हें भी तो अपने मैके जाकर राखी बांधनी होगी। दीदी पूरा दिन पड़ा है, पहले आप राखी बांध दीजिए फिर हम चले जाएंगे। प्लीज दीदी, अगर आप नहीं आएंगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा, प्लीज दीदी प्लीज आइए ना। ओके ओके। और हाँ जीजा जी को भी प्लीज साथ में लेके आइएगा और खाना यहीं खाइएगा। ओके थैंक यू दीदी। जीजा जी, अरुण क्या हुआ, किसका फोन था? राधिका का फोन था, जोर दे रही थी कि मैं वहीं जाकर राखी बांधूं। चलो अच्छा है, राधिका के आने के बाद से तुम्हारे मैके से बुलावा आना तो शुरू हो गया, वरना तो कोई पूछता ही नहीं था। जब अपने ही नहीं पूछते तो बाहर वाले क्या पूछेंगे? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जो तुम कहना चाह रही हो वो गलत। हेलो, हू इज दैट? ओह हाय अमीषा, या आई विल बी लीविंग इन 10 मिनट्स। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, ओके? आई स्पीक विद यू लेटर, ओके? बाय, टेक केयर। ये अमीषा कौन है? यू नो शी इज एन अपकमिंग मॉडल। जस्ट एन अपकमिंग मॉडल? ऑफ कोर्स। इज शी गुड? या शी इज वेरी गुड। ओह, इसीलिए तुमने मुझे अपनी कैंपेन से आउट कराया और उसे इन कराया, बिकॉज शी इज वेरी गुड। कविता, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें आउट कराने में या उसे इन करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। माय क्लाइंट वांट्स हर। ओह, योर क्लाइंट वांट्स हर और यू वांट हर? ओह, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? यू आर इंटरेस्टेड इन हर, यू लव हर बिकॉज़ शी इज यंग, शी इज ब्यूटीफुल, और मैं, मेरी एज हो गई है, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन मी। कविता, ओह कम ऑन, डोंट गिव मी दैट। कूल डाउन, यू नो आई लव यू, यू नो दैट। यू डोंट लव मी एट ऑल, यू लव दैट अमीषा। ओके बाबा, ओके, रिलैक्स। अरे यू गो, व्हाट, रिलैक्स, रिलैक्स, आई विल ड्रॉप यू, कम ऑन। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम अपने अमीषा के पास जाओ। ओके फाइन बाबा, गो, गेट आउट, ओके, टेक केयर, बाय।
अपने आप राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं। दीदी आ रही है राखी बांधने। क्या फर्क पड़ता है डार्लिंग, राखी बांधने से मतलब है, खुद बांधो या बहन बांधे, बात तो एक ही है ना। कैसे भाई है, अगर हमारे भाइयों ने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाली होती तो। अरे I'm sorry darling, I'm very sorry. मुझे पता नहीं मैं क्या कह गया, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं जानो, अगर तुम माफ नहीं करोगी ना तो मुझसे ऑफिस में काम नहीं होगा। कोई ऑफिस ऑफिस नहीं, जब तक आप राखी नहीं बंधवाएंगे आप कहीं नहीं जाएंगे। मगर राधिका, अब आप ही सोचिए, हमने दीदी को इतना रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है, अगर वो आएंगी और आप ही नहीं होंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। प्लीज ऑफिस मत जाइए। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आज ऑफिस जाना कैंसिल। खुश प्लीज खुश हो जाए, हंसते मुझे बहन चाहिए। अरे मामा जी की ट्विंकल तुम्हारी बहन ही तो है। नहीं, अपनी बहन है इसी घर में। भगवान जी से मांगोगे तो वो भी दे देंगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हम लोग अभी निकल ही रहे थे। चाची मैं अपनी बहन से राखी बनवाने जा रहा हूँ। अच्छा एक्चुअली भाई साहब हम ये कहने आए थे कि प्लीज थोड़ी देर बाद मम्मी के पोर्शन पे आ जाइएगा, कविता दीदी राखी बांधने आ रही है। क्या कविता आ रही है? लेकिन कविता की राखी तो आज ही आई है। जी पर हमारी उनसे फोन पर बात हो गई थी, वो खुद आ रही है। तो भाई साहब आप। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुरेश तुम मेरे साथ आ रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा तुम्हारे घर जाके, तुम जाओ अपने भाई को राखी बांधो, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। हाँ मैं भी आता हूँ। जी सुरेश, नमस्ते भाई साहब। अरे राधिका आओ। भाभी कहाँ है भाई साहब? अपने भाई के यहाँ गई है राखी बांधने। अच्छा एक्चुअली राधिका एक मिनट, चाय उबल रही है मैं लेके। आप बैठिए ना, मैं ले आती हूँ। थैंक यू। हाँ राधिका क्या कह रही थी तुम? आधे घंटे बाद बड़े घर आ जाइएगा, कविता दीदी राखी बांधने आ रही है। अरे लो ये तो मैं भूल ही गया, शांता भाई अभी लिफाफा छोड़ के गई है। पर कविता अब यहाँ आकर क्या करेगी, वो राखी तो भेज ही चुकी है। राखी भेजने और बंधवाने में बहुत फर्क होता है भाई साहब, आप प्लीज आ जाइएगा भाई साहब, और लंच भी सबके साथ ही कीजिएगा। थैंक यू भाई साहब। हरमेश भाई साहब का नंबर बताएंगे? हरमेश का नंबर मेरे पास नहीं है, पापा से पूछ लो उनके पास होगा। मामा डैडी। अरे राधिका क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। जी कविता दीदी राखी बांधने आ रही है। अच्छा कविता आ रही है, वेरी गुड। जी हमने फोन पर उनसे खूब रिक्वेस्ट की और वो मान गई। वो क्या अकेले सिर्फ अविनाश को राखी बांधने आ रही है? जी नहीं मामा, हमने सुरेश भैया और मुकेश भैया से भी रिक्वेस्ट की, वो भी रुक रहे हैं। मामा हमारे यहाँ राखी पर कुछ खास चीज बनती है क्या? डॉक्टर राधिका आपसे कुछ पूछ रही है। एक्चुअली राधिका बेटी, घर गृहस्थी के झंझट को छोड़े बरसों बीत गए, अब तो मुझे सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में याद रहता है। शांता भाई। जी मालकिन। राधिका को कुछ मदद की जरूरत हो तो कर देना। आप बिल्कुल। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। जी मामा। थैंक यू बेटा। बेटा काका से पूछ लेना, शायद उन्हें याद होगा कि राखी के दिन क्या खास चीज बनती थी। अरे हाँ याद आया, हमारी अम्मा सेवई की खीर बनाती थी। जी वो तो ताई जी भी बहुत अच्छा बनाती है, आज हम ट्राई करेंगे। बना लेना बेटा। जी डैडी। हाँ बेटा। हमें हरमेश भैया और पिंकी का फोन नंबर चाहिए था। तो कौन सी बड़ी बात है, डायरी पढ़िए टेलीफोन के पास ले लेना। जी ओके बेटा बाय। वाह क्या देख, कितनी कस के बन रही है राखी। ताई जी चल भाई चल, नोट दे मेरी बॉडी ना। और जिन्ना तेरी बॉडी खाई मेरी बहन है पहले। भाई
प्रकाश है बटुआ नहीं रखे घबराने घबरा नहीं तू एक कम कर दे यार तू पहले अपनी भैन को रखड़ी बनवा लै तू तो नोट देगा ही ना बड़ी को लैके मैं अपनी भैन नहीं ਕੱਲ ਨੋਟ ਕੱਢ ਨੋਟ ਕੱਢ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ लावी प्रकाश दी चांदी हो गई चल चल अरे निम्मो रानी की राखी आई है पोस्ट से वो भी बांध दे शाबाश डबल डबल हो गई रानी दे पैसे भी निम्मो नु मिलेंगे तू पैसे आदी सोच हुन है छोटी परजाई से भी रखड़ी बनवा ले भाभी डर गए ना भाभी चलो जल्दी से राखी बांधो मेरे को देखो तुम मेरे देवर हो भाई नहीं भाभी देवर और भाई में फर्क भी कितना होता है चलो जल्दी से बांधो प्लीज भाभी तो फिर प्रॉमिस करो कि मुझे दीदी बुलाओगे भाभी मैं आपको कुछ भी बुलाऊं लेकिन दिल से तो बहन ही मानूंगा ना हाँ दीदी मेरा मतलब है भाभी आप भी